सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि आपकी राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 7 मई 2021 शुक्रवार के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ संतोषी की कृपा से आप दिन दुगुनी और रात चौगुनी की तरक्की पर रहें। चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कष्टों को लेकर आने वाली है, जिससे आपको सावधान रहना है। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी चीज़ों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे विचार दिए गए हैं, आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज 7 मई 2021 दिन शुक्रवार का है। तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक शाम के 3:32 तक चलेगा और इसके उपरांत कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र की बात करें तो पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह ठीक दोपहर 12:26 तक चलेगा और इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो वैधृति नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक शाम के 7:30 तक चलेगा और इसके उपरांत विष कुंभ नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय का समय सुबह के 5:53 पर और सूर्यास्त का समय ठीक शाम के 6:53 पर और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक रात्रि के 3:22 पर और चंद्रास्त का जो समय है वो रहेगा ठीक दोपहर 3:20 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा कुंभ राशि, इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगा, जो कि यह ठीक सुबह के 5:55 तक चलेगा। अर्थात आज का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो यह सुबह के 11:57 से लेकर ठीक दोपहर 12:49 तक चलेगा। आज का अशुभ समय यह सुबह के 10:46 से लेकर ठीक दोपहर 12:23 तक चलेगा। याद रखिएगा मित्रों, राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें और ना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, मनुष्यों के लिए कठिनाइयों का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ईश्वर की न्याय की चक्की धीमी थोड़ी धीमी जरूर चलती है, पर पिसती बहुत बारीक से। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, यकीन मान लो कि दुनिया तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जीवन को आसान नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, और उत्तम समय नहीं आता बल्कि समय को उत्तम बनाना पड़ता है। चलिए जानते हैं अब आपके डेली राशि फल के बारे में। काम में आपकी रचनात्मक सोच से कुछ शानदार परिणाम सामने आए हैं, हम आपको बताना चाहेंगे। अपने प्रयासों के लिए पुरस्कारों की भी उपेक्षा रख सकते हैं। आपको बता दें, व्यवसाय में मिलने वाली प्रशंसा और प्रतिष्ठा का आनंद लें। खुद में और कुछ अपने उद्देश्यों में विश्वास आपकी सफलता के दिशा में आगे बढ़ाएगा। बस आपको ध्यान रखना है, समझदारी आपको एक ऐसा विशिष्ट स्थान प्राप्त करने में मदद करेगी, जो आपके नज़दीक रहने वाले लोग आपकी संगति का आनंद लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है, भावनाएं और कौशल दोनों आपके सहायक हैं। कामयाब लोग खुद के फैसले से संसार को बदलने का दम रखते हैं।
और असफल लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदलने का। अगर आपके करियर और बिजनेस को लेकर बात की जाए, जमीन बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े पैसे वाले व्यक्तियों के लिए यह समय प्रतिष्ठान सामान्यता और धन प्राप्ति का सूचक है। बस आपको ध्यान रखना है, आज आप सभी की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और कोई भी आपके बढ़ते कदमों को नहीं रोक सकता। हम आपको बता दें, बड़े निगम या कंपनी के साथ अनुबंध की भी संभावना है। हम आपको बता दें, आप आज सामान के शिखर पर हैं क्योंकि आपका विवेक आपकी कंपनी में एक विशिष्ट पाने में सहायता कर सकता है। बस आपको ध्यान रखना है, आपकी समस्याओं को हल करने की क्षमता आपको सम्मान दिलाती है। बस आपको ध्यान रखना है, अपने उद्देश्यों के अनुसार योजना बनाएं। सफलता ही एकमात्र ऐसा चीज है जो आपका इंतजार कर रही है, बस आगे बढ़कर इसे हासिल करें। अगर आपके लव लाइफ की बात की जाए, काम और व्यवसाय के लिए आपका दिन अच्छा है, जहां आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, लव लाइफ आज आपको अधिक उत्साहित नहीं कर रही है। बस आपको बताना चाहेंगे, दोस्तों या बच्चों के साथ समय बिताकर आप बेहतर महसूस करेंगे। थोड़ी सी प्रयास करने से आपके सपने हकीकत में बदल सकती हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, आपकी नम्रता आपकी खासियत है और आपकी यही खासियत की वजह से हर कोई आपके नज़दीक आना चाहते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है। हम आपको बताना चाहेंगे, रोमांटिक जीवन में संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने से बचें। दोस्तों, अगर इन बातों से आप सहमत हैं तो वीडियोस को अभी लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय संतोषी माँ लिख दें। आज के दिन संतोषी माँ को सच्चे मन से पुकारने से आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।